2010 से खेल रहा हूँ मैं, अंडर 16, 19, फिर मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय सारी ट्रॉफी, बड़ी सारी। खफा लग रहे हैं आप जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन का कोई रोल कहीं ना कहीं बात तो गलती है ना, कि अगर आप सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी रहे पिछले साल, तो इस साल जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिलेक्शन हुई तो आपका नाम नहीं आया, सिर्फ ट्रायल बेसिस पे ही प्लेयर को रखा जाता है। इसमें क्या ही जवाब दे सकते हैं, तो सिलेक्टरों की मर्जी है कि उन्होंने रखना है कि नहीं रखना, तो उनकी मर्जी है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट का एक बेहतरीन बैट्समैन ऑलराउंडर जतिन वधावन इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। विजय हजारे ट्रॉफी जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस ये देते आए हैं, इनसे सीधे बात करेंगे। जतिन बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासी। थैंक यू। तो कुछ बताएंगे अचीवमेंट्स अपनी, कहाँ कहाँ जाके कौन कौन से कम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स आपने खेली हैं, और क्या कुछ परफॉर्मेंस आपकी जम्मू कश्मीर की तरफ से रही? 2010 से खेल रहा हूँ मैं, अंडर 16, 19, फिर मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय जारे ट्रॉफी, ये सब कुछ खेला है, बस एक रणजी ट्रॉफी नहीं खेली, टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैचेस? हाँ जी जी। जतिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, पिछले सीजन में आप किसी टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन गेटर रहे थे, उसके बाद इस साल आपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं खेला, क्या कुछ कारण थे? एक कारण तो वही जाने की क्यों नहीं खेला, लेकिन हाईएस्ट शायद था कि नहीं था, लेकिन सेकंड हाईएस्ट था शायद। हाँ जी। ये किस बेसिस पे होती हैं सिलेक्शन, क्या ट्रायल बेसिस पे होती हैं, या फिर कोई आपके टूर्नामेंट्स में क्या कुछ एवरेज होती है उस बेसिस पे सिलेक्शन की जाती है जम्मू कश्मीर में? ट्रायल मैचेस होते हैं हर साल, कुछ पिछली परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, ट्रायल मैचेस भी होते हैं दोनों। क्यों नहीं खेले आप फिर? इस साल ट्रायल मैचेस में शायद मेरा परफॉर्मेंस नहीं सही रहा होगा, उसी करके उन्होंने मेरे को नहीं रखा टीम में, ट्रायल मैचेस के। हाँ जी हाँ जी। और कितना मुश्किल होता है जम्मू कश्मीर में कोई क्रिकेटर है उसको उभरना भी है और उस लेवल तक पहुंचना भी है, क्या आपको लगता है कि सर्विस जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस तरीके से काम कर रही है? इस सवाल का जवाब क्या ही दूँ मैं, कि सही है, मतलब पहले से काफ़ी मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो गया जम्मू कश्मीर के क्रिकेट में, कि अब बच्चे हम लोग जीतने के लिए खेलते हैं, पहले लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए खेलते थे, अब जीतने के लिए खेलते हैं और टीम जीत रही है अब हमारी। और कुछ बताएंगे अपने बारे में, कहाँ कोई मेमोरी, कोई कहाँ जाके आपने कोई मैच किसी दिग्गज प्लेयर जो हैं उनके साथ कुछ खेला हो, कोई मेमोरी? 2016-17 की बात है, मुश्ताक अली में एक मैच जिताया था मैंने हरियाणा के साथ, 70 नॉट आउट के करीब मैंने बनाए थे रन वहाँ पे, तो उसमें सारे मतलब बड़े प्लेयर खेल रहे थे, अमित मिश्रा जैसे, मोहित शर्मा, सब खेल रहे थे। अच्छा जतिन एक चीज़ मेरे को बताना, जब कोई मैच होता है जैसे जम्मू में कोई बाहर से दूसरी स्टेट से कोई टीम आती है तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम भी होते हैं, कई बार कोई सौराष्ट्र से आ रही है तो रविंद्र जडेजा होंगे, या कोई भी ऐसे स्टेट से टीम आ रही है तो उसके जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं जो इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं वो भी आए होते हैं, तो कैसा लगता है उनके साथ खेल के, और क्या कुछ हमारे में जो हमारे लोकल प्लेयर होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, एक सोच होती है कि वो बड़ा प्लेयर है, एट द एंड ऑफ द डे गेम तो क्रिकेट ही है ना, खेलना तो बॉल और बैट से है, कि नाम से नहीं खेलना। नाम से कुछ नहीं होता, सिर्फ जो खेलना है वो खेल से ही होता है। आगे के कुछ आपका गोल्स कुछ है बताएं? कोई गोल नहीं, अभी खेल रहा हूँ, अब देखो वापस कमबैक जल्दी करूँगा। उम्मीद नहीं, उम्मीद तो बड़ी सारी है। खफा लग रहे हैं आप जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्रिकेट एसोसिएशन का कोई रोल नहीं। कहीं ना कहीं बात तो गलती है ना, कि अगर आप सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी रहे पिछले साल, तो इस साल जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिलेक्शन हुई तो आपका नाम नहीं आया, सिर्फ ट्रायल बेसिस पे ही प्लेयर को रखा जाता है। इसमें क्या ही जवाब दे सकते हैं, तो सिलेक्टरों की मर्जी है कि उन्होंने रखना है कि नहीं रखना, तो उनकी मर्जी है। तो जतिन हमारे साथ मौजूद थे, आज रियासी में आए हैं, RPL 4 जो है उस वो चल रहा है और उसका मैच ये खेलने आए हैं, उम्मीद करेंगे ये यहाँ से जीतें और आगे फिर से आए मैच यहाँ पर खेलें, क्रिकेट रियासी के बच्चों को, रियासी के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको भी देखने को मिले, और कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल जो कि लोग काफ़ी पूछना चाहते थे वो भी हमने इनसे पूछने की कोशिश की है। आप लोग देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी, राहुल कपूर कैमरा मैन अमन शर्मा के साथ न्यूज़ पोस्ट रियासी के लिए, जय हिंद, धन्यवाद।